दोस्तों, डंकी और सलार की एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन डंकी सलार से काफी ज्यादा आगे है और सलार को इतने ज्यादा शोस नहीं मिले हैं जितने डंकी को मिल चुके हैं। आमिर खान कहते हैं, डंकी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शाहरुख बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने एक साल में दो पहले ही सुपरहिट मूवीज दे दी है और अब राजकुमार हिरानी के साथ मूवी लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब डंकी सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार पूरी दुनिया में सिर्फ डंकी चलेगी और डंकी के लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डंकी को इंडिया में 20,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। वहीं अभी तक 10,000 स्क्रीन्स डंकी को मिल भी चुके हैं। उसी के साथ सलार भी चल रही है, लेकिन सलार को सिर्फ 4,000 स्क्रीन्स दिए गए हैं। तो सोचो इस बार डंकी कितना बड़ा बवाल मचाने आ रही है। मैंने सलार वालों को पहले ही बोला था कि डंकी के आगे अपनी मूवी रिलीज मत करो। अंजाम आदि पुरुष जैसा बन सकता है क्योंकि आगे बॉलीवुड के सबसे बड़े बादशाह है, लेकिन उन्होंने शाहरुख से टक्कर लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब उस भूल का बलिदान सलार की एडवांस बुकिंग और कम स्क्रीन काउंट से देना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर शाहरुख की मूवी चलती है वहां पर किसी और हीरो की मूवीज को कोई नहीं देखता। और इस बार जवान और पठान के बाद शाहरुख जो डंकी से सुनामी लेकर आए हैं, उसके बाद तो हर कोई डंकी को देखना चाहता है, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू हुआ है उसमें डंकी को एक सच्ची कहानी डिक्लेयर किया गया है और डंकी एक सच्ची घटना पर बनाई गई मूवी है। अब तो इसका जैसे न्यूज वायरल हुआ है, उसके बाद तो डंकी का एडवांस बुकिंग भी तेजी पकड़ चुका है और वहीं इंडिया में भी डंकी की एडवांस बुकिंग को खोला जाने वाला है और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और ये अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है, जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों, शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे, कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना।